प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ कोविड 19 संक्रमण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का उन्होंने कहा कि इसका कोई विकल्प नहीं, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों की स्थिति के बारे में भी समीक्षा की, अधिकारियों से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीकृत मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को जल्द स्थापित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री ने कोविड 19 और वैक्सीन स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की, जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की और अधिकारियों के साथ स्थिति। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। बिल्कुल, हम जितने पेशेंट हैं उनके हिसाब से सफिशिएंट है। अभी लगातार कहाँ कहाँ से मरीज आ रहे हैं? हमारे पास ज़्यादातर नर्सिंगपुर। नर्सिंगपुर जी। अभी कितने होंगे कोविड मरीज? कोविड पॉजिटिव? हाँ। पॉजिटिव नहीं, सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड, हाँ। आपका सर नाम? आपका? भवानी प्रसाद, मैं रानीताल से। कैसी क्या परेशानी आ रही है आपको? हमारी दीदी एडमिट है, आज तीसरा दिन हो गया। डॉक्टर ने रिकमेंड किया है रेमडेसिविर इंजेक्शन का, जो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है, जबकि हमारा नाम दो दिन तीन दिन पहले से उसमें लिस्ट में है, उसके बाद भी हमको मिला ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि 300-400 मरीज और रात में मात्र दो नर्स रहती है। क्या कारण है जो आपको नहीं मिल पा रहा इंजेक्शन? इंजेक्शन के कारण सर ये तो मुझे नहीं पता। आपने डॉक्टर से पूछा है? बोलने की आएगा रात के 2 बजे आएगी। रात के 2 बजे अब कहाँ से आएंगे ये कोई बता पाएंगे, और दिन में तो आते ही नहीं, 2 बजे या 3 बजे आते हैं। आपके मरीज का क्या नाम है? गायत्री शिव। मान लीजिए रात में अगर जान को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये अस्पताल प्रबंधन की बात है, इतनी लापरवाही हो रही है। अस्पताल का नाम है रावतपुरा सरकार। और नाइट में कितना स्टाफ रहता है? नाइट में स्टाफ सर 200-300 मरीजों को केवल 2 नर्स रहती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचम सिंह महंगी है। जांच के सैंपल लेने और जांच के जो सैंपल जाते हैं वो 3 से 4 दिन में आ पाते हैं, और उसमें भी पैथोलॉजी भी लेब नहीं है, बड़े लेट लगती थी काम। आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि ये धुलमुल व्यवस्था पूरी तरह से सुधरे, और क्योंकि ये लोग पैसा ले रहे हैं तो पैसे की तुरंत फैसिलिटी मिले और अच्छे से अच्छा काम। एक दिन का कितना पैसा लिया जा रहा है आपने? एक दिन का पैसा सर आपने बोला था कि हाँ नहीं, आप ऐसे थे कि रसीद दे रहे हैं 18 से 22 हज़ार बोल रहे हैं। हाँ, और अभी ले कितना रहे हैं? अभी तो जमा करवा लिया है, जब हिसाब होगा तब पता चलेगा कितना ले रहे हैं। आपका नाम बताइए। पंचम सिंह महंगी है। व्यवस्था है, दवाई प्रॉपर मिल रही है, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर, 96 से 8 से मिल रहा है।
टेस्टिंग वेस्टिंग हो रही है बराबर, जांच हो रही है यहाँ पर, कम सुनाई देता है सर, कम सुनाई देता है तो आप को ना बताओ ना। बढ़िया है सर, इलाज सही चल रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं, बस ऑक्सीजन की कौन सा हॉस्पिटल है? रावतपुरा सरकार, ये भेड़ाघाट हॉस्पिटल में खड़े हैं अपन। बना लेना तू भी। अरे ले इसको, इससे बना, इससे बना।